करीब 8 किलोमीटर दूरी पर नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत श्री क्षेत्र अदासा शमी विवेश गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर परिसर में प्राचीन भव्य त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर लेटे हुए महारुद्र हनुमान जी, भौरवनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, नागठाना गुफा मंदिर सहित अनेक पौराणिक मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर हेमाडपंथी कारीगरों द्वारा बनाए इस दक्षिण मुखी त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालु बड़ी आस्था से पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पाते हैं। जाना अमृत न विष न सुख न दुख न स्वर्ग न नरक वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग हूबहू नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे प्रतीत होती है। प्राय देखा गया है कि शिवलिंग पर एक ही उभर होता है जो महेश यानी शिव जी का प्रतीक होता है, परंतु इस शिवलिंग पर तीन उभर हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा और पूजा जाता है। श्री क्षेत्र आदासा स्थित गणेश मंदिर प्राचीन स्वयंभू मंदिरों में से एक है और पुराणों में मिलने वाले उल्लेखों के अनुसार प्रतापी दानशूर बलि राजा ने इंद्र पद प्राप्ति करने के लालसा में घोर तपस्या कर 100 यज्ञों का संकल्प लिया था। उसी कड़ी में आदासा स्थित 100 यज्ञ पूर्ण होते ही राजा बलि को इंद्र पद प्राप्त होना तय था। यह यज्ञ पूरा ना हो इस वास्ते भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर शमी वृक्ष के नीचे स्थित गणेश की घोर आराधना कर शक्ति प्राप्त की और भगवान श्री शमी विघ्नेश के आशीर्वाद से बलि राजा के यज्ञ में पहुंचकर यज्ञ को विध्वंस कर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि सहजता से इस दान देने हेतु तैयार हो गए। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर पहले पग में धरती, दूसरे में आकाश व तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक पहुंचाया, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, तिल चतुर्थी, श्रावण माह में भव्य मेला लगना प्रारंभ हुआ, तभी से संपूर्ण विदर्भ से और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु दर्शन और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ बड़ी श्रद्धा से पहुँचते हैं। तो वहीं त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में तीर्थ क्षेत्र नासिक जैसे ही पितृदोष, काल सर्प आदि जैसे दोषों का निवारण हेतु शिव भक्त यहाँ आते हैं। कहा और माना भी जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे दोष पूर्ण हो जाते हैं। क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार और मंत्री व्यवस्थापन समिति के प्रयासों से आदासा ग्रामवासियों को रोजगार हेतु मंदिर व्यवस्थापन द्वारा खिलौने, पूजा सामग्री, श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु मीना बाजार और घर घर हार, फूलों व अनेक दुकानों की व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य सरकार ने इस पुरातन मंदिर को पौराणिक मंदिरों की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद से मंदिर और परिसर का तेजी से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आदासा गणेश मंदिर के सचिव एडवोकेट श्रीकांत पांडे, जयंत मुलमुले, विश्वस्त मोरेश्वर धोटे और अन्य पदाधिकारी सदस्यों ने मंदिर क्षेत्र के विकास कार्य और भाविक गणों को उचित सुविधाएं प्राप्त हो इसलिए प्रयासरत हैं। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान का शिव का मंदिर है और जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वैसी जो है तो आदासा में भी है। यह पौराणिक मान्यता है इसका, मुगल पुराण जो गणेश जी का है उसमें वर्णन भी है। ये दक्षिण मुखी शंकर जी का स्थान है, बहुत गर्दी रहती है, बहुत आस्था है लोगों की यहाँ। वो कार्य पूर्ण करने के बाद में यहाँ आकर उन्होंने शमी विघ्नेश्वर वक्रतुंड नाम से इनकी स्थापना की, तब से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। वही काल का वो शिव मंदिर जो है, जब से वो मंदिर यहाँ का है, जब से वो शिव मंदिर वहाँ से है और जो
पहाड़ी में जो लोग जाते हैं उन्होंने, वो भक्त लोगों ने बोले ये पुरातन काल का शिव मंदिर है, ये सशक्त शिव मंदिर है। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट।